हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज मैं आपके साथ में लंच रूटीन शेयर कर रही हूँ। लंच में मैं बना रही हूँ पंचरत्न दाल और उसके साथ में बटर नान। तो पंचरत्न दाल के लिए मैंने 5 दालें ली है, जो कि है, आप देख ही सकते हो, मसूर की दाल ली है 3 टेबलस्पून, काली उड़द की दाल ली है 3 टेबलस्पून, चने की दाल ली है 3 टेबलस्पून, मूंग दाल ली है 3 टेबलस्पून एंड तूर दाल ली है 3 टेबलस्पून। उसको मैं भिगो के रख दूंगी 15 से 20 मिनट के लिए लगभग। अभी मैं यहाँ पे बटर नान के लिए आटा रेडी कर रही हूँ। ये मैदा लिया है 3 कप। मैदे में वो क्लिप मिस हो गई थी, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। मैदे में 3 कप मैदे में मैंने डाला है 1 टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और इसमें डाला है 1 टेबलस्पून शुगर, थोड़ा सा ऑयल डाला है और 2 से 3 टेबलस्पून ऑफ कर्ड डाला है। उसको कर्ड डाल के मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स कर लिया है, अभी थोड़ा पानी डाल के आटा गूंद रही हूँ। चपाती के जैसे आटा लगाना है, जैसे हम लोग चपाती के लिए लगाते हैं वैसे ही। ये देखिए आटा बन के रेडी है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर से ऑयल लगा लूँ, लगा के अच्छे से गूंद लूँगी। और ये आटे को आपको सेट होने के लिए रख देना है लगभग 15 से 20 मिनट के लिए। हो सकता है अगर आपके पास टाइम है तो 30 मिनट के लिए भी रख सकते हो। अच्छे से मिक्स करके अच्छे से डो बना के आपको इसको रेस्ट करने के लिए रखना है। अभी मैं ये जो दाल भिगो के रखी थी वो कुकर में डाल के 4 से 5 सीटियाँ लगा लूँगी। इसमें डाला है 1.5 ग्लास मैंने पानी, थोड़ा सा ऑयल डाला है आपको 4 से 5 सीटें आने तक इसको कुक करके लेना है। मेरी दाल भी कुक हो चुकी थी, तो मैंने ये तड़के की तैयारी कर रही हूँ। जैसे हम नॉर्मल दाल बनाते हैं वैसे ही आप बना सकते हो। आपकी अगर आपको पसंद है तो घी में भी बना सकते हो, नहीं तो रेगुलर ऑयल में भी बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिया है 3 से 4 टेबलस्पून ऑफ घी। घी जैसे अच्छे से मेल्ट हो जाएगा मैं उसमें डाल दूँगी राई। राई जैसे ही चटकने लगी बाद में डाला है जीरा। अभी मैंने 1 मीडियम साइज़ का अनियन लिया है, 2 मीडियम साइज़ के टोमेटो लिए है, 4-5 रेड चिली रही है और करी पत्ता लिया है तड़के के लिए। तो मैंने ये अनियन डाल दिया है घी में। अनियन को थोड़ा ब्राउन होने तक भून के लेना है आपको। थोड़ा सा अनियन भून जाने के बाद यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। इसका भी जब तक रॉ स्मेल चला ना जाए तब तक आपको भूनना है।
ये देखिए जिंजर गार्लिक पेस्ट अच्छे से भून गया है। बाद में मैं डाल रही हूँ यहाँ पे रेड चिली एंड करी पत्ता ऐड कर दिया। इसको भी थोड़ा सा हल्का सा भून लूँगी। बाद में ऐड कर दूँगी टोमेटो जो मैंने यहाँ पे फाइन कट करके लिया है, टोमेटो वो ऐड कर दिया है। आपको तब तक चलाना है जब तक कि टोमेटो अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। इसमें मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर दूंगी, प्रोसेस जल्दी हो जाए इसी वजह से। मिक्स कर लूंगी अच्छे से। ये देखिए टोमेटो अच्छे से भून गया है। अभी इसमें मसाले ऐड कर रही हूँ ड्राई, जैसे थोड़ा सा डाला हल्दी पाउडर टेस्ट के अकॉर्डिंग, रेड चिली पाउडर ये डाला है, थोड़ा धनिया पाउडर। थोड़े मसाले जले ना इसलिए थोड़ा सा ऐड कर दिया है पानी। अभी हमारा तड़का जो है बनके रेडी है। इसमें जो मैंने दाल उबाल के ली थी वो ऐड कर दी है। ज़्यादा उसको मैश नहीं करना है, थोड़ा खड़ा टाइप ही रखना है, जैसे मतलब खड़ी खड़ी दाल होती ना वैसे ही रखना है, ज़्यादा मैश नहीं करना है। ये डाला है थोड़ा सा पानी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा दाल जो है गाढ़ी लग रही थी इसलिए थोड़ा सा गर्म पानी ऐड किया है। आप आपकी कंसिस्टेंसी के हिसाब से गाढ़ा या पतला कर सकते हैं। इसमें डाल रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और ये डाला है थोड़ा सा गरम मसाला। इसको उबाल आने तक अच्छे से पका के लेना है। ये मैंने ढक के कुछ 2 मिनट के लिए ढक के रखा था, अच्छे से उबाल आ गया है। अभी हमारी दाल जो है बनके रेडी है। अभी मैं बना रही हूँ बटर नान, उसके लिए आटा अच्छे से फूल के एकदम रेडी है। अच्छे से फूला था आटा। मैं उसको और एक बार थोड़ा सा मतलब सेट कर रही हूँ। एक रोटी का जितना आटा लिया है, आप इसको राउंड में या फिर ओवल शेप में जैसे आपको जमेगा, मतलब जैसे आपको पसंद है वैसे आप बेल सकते हो। इसको ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है बटर नान के लिए, मतलब जल्दी बन जाता है, चपाती से भी जल्दी बन जाता है। अभी मैंने ओवल शेप में बेल लिया है, उसके ऊपर लगा दिया थोड़ा सा बटर और ऐसा फोल्ड करके ले रही हूँ एक के ऊपर एक रख के। और बाद में उसको राउंड कर लूँगी। अभी उसको सूखा आटा लगा के ऐसा ओवल शेप में बेल लिया था और उसके ऊपर लगा दिया थोड़ा सा बटर, थोड़ा सा लगा दी कलौंजी, डाल दी। मेरे पास हरा धनिया नहीं था इसलिए नहीं डाली, आपके पास है तो डाल भी सकते हो। और उसको सेक भी लिया था बटर नान को, और उसके ऊपर सेकने के बाद डाल रही हूँ थोड़ा सा बटर। बटर नान है तो बटर लगाना तो ज़रूरी है। ये देखिए हमारा बटर नान बन के रेडी है। ये है पंचमेल दाल, बटर नान, उसके साथ में थोड़ा सा अनियन एंड नींबू। ये है आज का हमारा लंच। अभी मैंने इसको फोल्ड नहीं किया था, सिंपल से जैसे रोटी बनाते हैं वैसे ही करके देखा था, ओवल शेप में सिर्फ बेला, बस उतना ही किया। ये भी काफ़ी अच्छे से बन गया था,
मतलब ज़्यादा मेहनत नहीं है फोल्ड करने की, सेम उसी के जैसा, और वो थोड़ा फूल रहा था इसलिए मैंने फोक से थोड़ा छेद बना दिए थे ताकि वो फूले ना। इसके ऊपर लगा दिया थोड़ा सा बटर, थोड़ी डाली कलौंजी और ये बेल लिया। इसी के साथ में गाइज मैं आई हूँ वीडियो के एंड में, फिर मिलते हैं ऐसे नए वीडियो के साथ।